कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर वाराणसी के घाटों पर आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व नजारा नजर आया। सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी के पावन घाटों पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाए। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ माँ गंगा में स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। स्कंद पुराण की मान्यता के अनुसार आज के दिन स्वर्ग से देवतागण पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए भोलेनाथ की नगरी में माँ गंगा में स्नान और पूजन करने से शिव के संग भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आज के दिन का आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और खास करके काशी की शिव की नगरी काशी में इस स्नान का विशेष महत्व, क्योंकि आज देव दीपावली मनाई जाती है। तो जो मेरी जानकारी में, आप क्या जानती हैं कि स्नान से क्या मिलता है, मतलब इतिहास क्या है? हमारे सनातन धर्म के हिसाब से तो यही मान्यता है कि आज हमारे पाप धुलते हैं, पुण्य अर्जित होते हैं, वैसे इसके अलावा मुझे ज्यादा जानकारी। अच्छा, दक्षिणा। वहीं बलिया में भी कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा में स्नान करने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ा। गंगा में स्नान करने के लिए पूरे जिले से हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्रीरामपुर घाट पर इकट्ठा हुए और जैसे ही सूर्योदय हुआ, लोगों ने एक साथ पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि ये क्या है, बहुत लगता है। हर साल हम लोग जो भी करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, इसका एक अलग ही फील होता है। आई कांट एक्सप्लेन। जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अपनाने की कोशिश करती है, ऐसे में जो हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है पुराने बुजुर्गों के साथ, अगर आप लोग जब रात भर जागते हो और पूजा करते हो तो लगता है कि कुछ बढ़िया कर रहे हो। जी, बहुत खुशी मिलती है, इसलिए तो मैं स्पेशली इसके लिए रुकी हूँ यहाँ पे। इवन मेरे एग्जाम से स्टार्ट होने वाले थे, मैंने कितने रुकी हूँ, रात भर आते थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्रमुख स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भदोही में भी सुबह से ही गंगा स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। काशी और प्रयाग के बीच स्थित भदोही के रामपुर गंगा घाट पर स्नान करने पर श्रद्धालुओं को काशी जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया। आज शुक्रवार का दिन है और पूर्णिमा का व्रत का त्यौहार है और आज यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पावन धरती रामपुर घाट पर स्नान करते हैं और अपने घर को जाते हैं और व्रत आदि रहते हैं। और ये बहुत कार्तिक का महीना है, बहुत अच्छा पावन पर्व है, इसलिए यहाँ स्नान करते हैं। और प्रयागराज में संगम तट पर कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र पर्व के दिन श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन तट में आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसीलिए दी गई है क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान और पूजन किया। वहीं हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले लोगों ने गंगा में दीपदान कर अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा से प्रार्थना भी की। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए हजारों सैनिक और असंख्य योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मौजूदगी में सर्वप्रथम चतुर्दशी को दीपदान किया था। तब से यह परम्परा चली आ रही है। अपने भाई के लिए और ये अपनी मम्मी के लिए। दीपदान क्यों दिया जाता है? दीपक दिए जाते हैं कि पितरों की शांति के लिए दिए जाते हैं। हर गढ़ में, बैजघाट में नहीं दिए जाते, ये गढ़ में ही दिए जाते हैं। खादर मेले में? खादर मेले में। जी, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे? ये तो हरियाणा से, पंजाब से, रोहतक से, काफ़ी दूर से ये आदमी आते हैं। और ये मेला साल में एक ही बार लगता है, बीच में नहीं लगता।
कौन सा मेला है? गड़का कातक मेला लगता है, एक साल में एक बार लगता है। और ये दीपदान के लिए आया था। दीपदान क्यों किए जाते हैं? दीपदान पितरों की शांति के लिए किए जाते हैं। पितरों कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे? बहुत दूर दूर से आते हैं, इसमें इसकी कोई वो नहीं है कि आते चारों तरफ से यही आते। वही बदायूं में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर छला और ककोड़ा गंगा घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ककोड़ा गंगा घाट पर बरेली, बदायूं, पीलीभीत सहित शाहजहांपुर जनपदों द्वारा हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर हवन पूजन करते हैं। हम यहाँ गंगा स्नान के लिए इसलिए आए हैं, यहाँ पे मेला हमेशा लगता है ककोड़ा का, बहुत अच्छा लगता है, टेंट भी लगते हैं, हमें यहाँ बहुत इंजॉय हम लोग करते हैं, गंगा में नहाते हैं। थैंक यू। वहीं इस मौके पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।